फ्रेंड्स, आज हम लोग एम्फीबिया क्लास को स्टडी करेंगे। इसके पहले हम लोग कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज क्लास का को स्टडी कर चुके हैं। एम्फीबिया का मतलब बेटा होता है एम्फी, एम्फी का मतलब होता है टू, और बायस का मतलब होता है लाइफ। तो मतलब ऐसे जो एनिमल्स होते हैं, एम्फीबियंस जो होते हैं, वो दो जगह अपनी लाइफ को बिताते हैं। मतलब देयर सर्वाइवल इज परफॉर्म्ड इन द टू लाइफ स्टेजेज, आर यू कैन से टू ड्वेलिंग प्लेसेज। मतलब दो जगह ऐसी हैं जहां ये अपनी लाइफ बिताते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। इसमें पहला है वाटर और दूसरा है लैंड। वाटर में जैसे इनका जो है लार्वल स्टेज जो है होती है, लार्वल स्टेज रहती है, और जो लैंड है वहाँ पर एडल्ट स्टेज का जो है सर्वाइवल होता है। मींस उसकी जो लाइफ साइकिल है इन दो जगहों पर बीतती है। लार्वल स्टेज में टेल होती है और टेल के सहारे ये जो है वाटर में स्विम करते हैं, तैरते हैं, और इनमें गिल्स होता है रिस्पिरेशन के लिए। एडल्ट स्टेज में इनमें जो है टेल गायब हो जाती है, लिम्ब्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और रिस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड बाई लंग्स। तो ये दो स्टेजेज इसमें होती, इसीलिए इनको हम एम्फीबिया कहते हैं, कि मतलब एम्फी और बायस नाम के दो ग्रीक वर्ड से ये इनका फॉर्मेशन हुआ है। बॉडी फॉर्म जो है इनका वैरी करता रहता है। मतलब किसी में फिश लाइक स्ट्रक्चर होती, जैसे एक थियोफिश होता है, किसी में जो है बोट लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब आगे बोट जैसा बना रहता है जो पानी को पेनिट्रेट कर सकता है। तो इसलिए इनका बॉडी फॉर्म जो है चेंजेबल है, मतलब अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग है। जनरली फोर रीजन्स में बॉडी जो है बटी हुई है, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, और किसी किसी में केवल हेड और ट्रंक ही होता है, टेल नहीं होती है। अपेंडेजेज जो होते हैं, मतलब जनरली जो लोकोमोटरी अपेंडेजेज होते हैं, वो पेंटाडक्टाइल लिम्स हैं। पेंटाडक्टाइल का मतलब जिसमें पांच जो हैं फिंगर्स जनरली होती हैं और 4 to 5 डिजिट्स होती हैं। स्किन इनकी सॉफ्ट है, मॉइस्ट है, मतलब नमी है उसमें, मॉइस्चर है, और जनरली स्केल्स उसमें नहीं होते, जैसे फिशेज में स्केल्स होते हैं। स्किन के अंदर पॉइजनस ग्लैंड्स भी होती हैं, और मोस्टली उसमें लॉट ऑफ म्यूकस से भरी होती है। तो म्यूकस से क्या फ़ायदा होता है इनको, कि उससे बहुत स्मूथ बनी रहती है, और जब कभी भी इनको आप कैच करना चाहो तो उसी म्यूकस की वजह से वो फिसल के बाहर निकल जाते हैं। एंड दे सिक्रीट वाटरी सल्यूशन सो दैट द एनिमीज, या जैसे कोई ह्यूमन ही उनको पकड़ रहा है तो वो डर जाते हैं, दे लीव हिम, लीव इट। इसके बाद इनका जो है जो एंडो स्केल्टन है वो बोनी है, जैसे ऑस्टिक थीज फिशेज में होता है बोनी स्केल्टन है, मतलब बोन का जो है बना हुआ स्केल्टल सिस्टम है। और डाइकंडाइलिक स्टेज इनमें होती है, यानी दो ऑक्सीपिटल कंडाइल्स होते हैं। जो फर्स्ट वर्टेब्रा है जिसको हम एटलस कहते हैं, फर्स्ट वर्टेब्रा इज कॉल्ड एज एटलस। इसका काम क्या है, ये हेड को मूवमेंट में हेल्प करती है। और इनमें सैक्रल वर्टेब्रा भी प्रेजेंट होती है। सैक्रल वर्टेब्रा क्या होती है, जो मतलब टेल की तरफ होती है। इसके बाद जो है टीथ जो है, टीथ की जो स्टेज है वो एक्रोडांट स्टेज है। एक्रोडांट किसको कहते हैं, एक्रोडांट वो ट्राइब के टीथ होते हैं जिसमें सॉकेट नहीं होता, मतलब जिसके अंदर चैम्बर्स या कैविटी नहीं बनी होती है। जैसे हम लोगों के जो टीथ हैं मैमल्स में, वो थीकोडांट है। थीकोडांट, थीका मतलब चैम्बर होता है, सॉकेट बनाता है जिसके अंदर टीथ जो हैं धसे होते हैं। और जनरली टीथ जो हैं बाइटिंग टाइप के होते हैं, बाइटिंग मतलब फोर्स से ये बाइट करते हैं किसी चीज़ को। इसके अलावा जैसे फ्रॉग्स वगैरह हैं और टोर्स हैं, इनमें
जो दो टाइप के टीथ होते हैं, एक मैगिलरी टीथ होते हैं और एक बोमेराइन टीथ होते हैं। टंग जो है वो फ्रंट एंड से अटैच होती है, जैसे फ्रॉग और टोड में फ्रंट एंड मतलब सामने से ये जुड़ी होती है और पीछे खुली होती है। तो जब कभी भी ये हंटिंग करते हैं, किसी फूड को कैप्चर करते हैं, किसी शिकार को पकड़ते हैं, तो इनकी जीभ जो है मतलब टंग जो है ये बाहर पीछे से बाहर की ओर आती है, क्योंकि वो आगे से मतलब फ्रंट एंड से वो अटैच्ड रहती है बकल कैविटी के अंदर। तो ये जो है एम्फीबिया के बारे में कुछ जनरल फीचर्स हैं। इसके बाद हम रिस्पिरेशन और सर्कुलेशन या रिप्रोडक्शन वगैरह जो है बताएंगे आपको इसको रब करके। तो बच्चों एम्फीबिया में जो नेक्स्ट फीचर्स हैं, जैसे रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन जो है जनरली इसमें गिल्स से भी होता है, लार्वल स्टेज जैसे है, स्किन से भी होता है, लंग्स से, और जो बक्कल कैविटी की या बक्कल जो है कैविटी की इनर लाइनिंग है उनसे भी गैसियस एक्सचेंज होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट जो है वो थ्री चैम्बर्ड है, मतलब जिसमें टू आर्टिकल्स हैं और वन वेंट्रिकल है। आर्टिकल्स जो हैं दो हैं और एक वेंट्रिकल है। अभी फिशेज में आपने पढ़ा था कि एक आर्टिकल और एक वेंट्रिकल है, उसमें सिंगल सर्कुलेशन है, इसमें डबल सर्कुलेशन देखने को मिल जाएगा। रीनल पोर्टल सिस्टम पूरी तरह से डेवलप है, यानी किडनी में क्या कहते हैं ब्लड वेसल्स जो हैं जुड़ी हुई हैं और उनका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होता है। RBCs मतलब रेड ब्लड कॉर्पसल जो हैं वो ओवल हैं, ओवल शेप की हैं, बाई कॉन्वेक्स हैं और न्यूक्लिएटेड हैं। ह्यूमन में अगर हम बात करें तो डिस्क शेप और बाई कॉन्केव होती हैं। ऑल्फैक्टरी सैक्स जो हैं डार्सल पोजीशन पर होते हैं। मिडिल ईयर जो है वो टिम्पैनम से कवर्ड रहता है और कोई भी एक्सटर्नल ईयर इसमें नहीं होता है। जैसे मैमल्स में बाहर एक्सटर्नल ईयर होता है, इसमें नहीं होता है। आईज होती हैं और आई लिड्स जो हैं वो मूवेबल होती हैं। आई के ऊपर जनरली मतलब निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है जो उसमें पानी को एंटर करने से रोकती है। 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स होती हैं। किडनी जो हैं एक्सक्रीशन के लिए होती हैं। स्ट्रेटरी सिस्टम में डेवलप्ड किडनीज होती हैं और इसमें अमोनोटेलिज्म पाई जाती है, यानी इनका जो मेन बेस्ट प्रोडक्ट है नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट उसको हम अमोनिया कहते हैं। अमोनिया मेन रूप से बेस्ट प्रोडक्ट है जो एक्सक्रीट होता है और ऐसे एनिमल्स को हम अमोनोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होता है, जनरली एक्सटर्नल होता है और ज़्यादातर ये ओवीपेरस होते हैं, मींस एग लेयर्स होते हैं, और पोएक्लोथर्मिक होते हैं, यानी इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो चेंजिएबल है, यानी वेरिएबल टेम्परेचर शो करते हैं बॉडी का अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग। जैसे हाइबरनेशन इनको में और एस्टिवेशन दोनों देखने को मिलता है। जैसे फ्रॉग है तो हाइबरनेशन क्या है, ये विंटर स्लीप कहलाता है, मतलब जाड़ों में बहुत जाड़ा पड़ेगी, बहुत ठंड रहेगी, तो ये कोल्ड वेदर को बियर नहीं कर पाते तो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, वहाँ स्किन से रिस्पिरेशन करते हैं। और एस्टिवेशन जो है ये समर स्लीप कहलाता है, मतलब बहुत हार्ट कंडीशंस को भी ये बियर नहीं कर पाते, तो इसलिए ये पोएक्लोथर्मिक कहलाते हैं। बिकॉज दे कैन चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग। लगभग जो है 4000 स्पीसीज इनकी अभी तक नोन है। एग्जाम्पल्स हैं जैसे एक थियोफिस है, ट्राइटूरस है, नेक्टूरस है, बुफो है जिसको हम टोड कहते हैं, राना टिग्रीना, इंडियन फ्राग को राना टिग्रीना कहते हैं, हाइला है, ये ट्री फ्राग है, पेड़ पे रहने वाला मेढक है, और रकोफोरस इसको हम फ्लाइंग फ्राग भी कहते हैं। तो इस तरह से ये जो है एम्फीबिया फिनिश होता है। थैंक यू।